लोग एक नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। डेली शाम को 7 बजे हम अपने इस चैनल पर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिटेल वीडियोस बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में अगर नहीं पता है तो ये वीडियो पूरी देख लीजिए। 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस बड़ी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। हर स्टेट में इसकी वैकेंसी निकलती है और सेंट्रल भी निकलती है। जैसे कि आपको पता है हर स्टेट में फॉरेस्ट एरिया होता है, जंगल होता है। जैसे सबसे ज्यादा हमारे देश में जंगल मध्य प्रदेश में है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जिले हैं, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी हर जिले में, हर स्टेट में आपके फॉरेस्ट एरिया होता है। अब उस फॉरेस्ट एरिया के लिए दो पोस्ट होती है सबसे ज्यादा, एक 10th के बाद होती है जिसे फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर होती है 12th ग्रेजुएशन के बाद। अब इसकी एलिजिबिलिटी जैसी है बच्चों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी आपकी रिलेटेड टू द जॉब या करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं लाइव आता रहता हूँ, आपकी क्वेरी सॉल्व करता रहता हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो सबसे पहला चीज होनी चाहिए आपका एक टारगेट फिक्स होना। मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। एक जॉब फिक्स कर लीजिए जो आपको लगता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकली फिट है, क्योंकि याद रहे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जितनी आसान होती है पाना, बट उसमें एक चीज डिफिकल्ट होती है, वो होती है कि इसमें जो दौड़ होती है वो लंबी होती है। ऐसे नहीं होता कि जैसे आर्मी की मैं बात करूं या पुलिस की मैं बात करूं तो वहां पे लगभग कुछ किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, लाइक 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर की दौड़ भी हो जाती है। क्या आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही जुड़िए डाउटनेट के साथ। लक्ष्य बैच आपके लिए लेकर आया डाउटनेट, यहाँ पे बैंक पीओ की तैयारी आप कर सकते हैं। प्री और मेंस की आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस और क्लास के नोट्स, और डेली आपको होमवर्क भी मिलता है, और साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट जिससे आप अपनी टाइम स्पीड बना सकते हैं। इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप पढ़कर एक बार में ही 2499 में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं IBPS PO500 तो आप 500 का डिस्काउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए और जुड़िए। जी हाँ, 10 किलोमीटर से ऊपर ही होती है। अब उसमें क्या रहता है, हल्के चलना, तेज चलना, ड्यूरेशन दे दिया जाता है आपको। उसका रीजन ये है बच्चों कि फॉरेस्ट एरिया जो होता है आपका, ये बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि वहां से जंगल से बाहर आना, बच के आना, भागना, ये करना, ये सब चीजें वहां पर बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सारी डिटेल की, एक एक डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की। 18 साल से ऊपर की कोई भी जिसकी एज 25-27 साल है अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटीज होती हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एवरेज है। इससे जरा मरा सा ही फर्क होगा, किसी स्टेट में ज्यादा नहीं होगा। कहीं पर मैक्सिमम एज 25 होती है तो कहीं पर मैक्सिमम एज 27 साल होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपकी कि आप 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट हैं, दोनों के लिए वैकेंसीज निकलती है। स्टेट का जो जैसे UP SSSC है, UK SSSC है, जो आपका चयन कर्मचारी चयन आयोग विभाग होता है वो इसकी भर्ती कराता है। इसकी भर्ती का जो प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है एक रिटर्न एग्जाम। उस रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आता है, आइए उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसके रिटर्न एग्जाम्स की बात करूं तो कुल मिलाकर इसके रिटर्न एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आपका हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है, इसमें आप चूज कर सकते हैं। कुछ स्टेट में हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है। जनरल इंटेलिजेंस होता है, जो भी आपका ऐसा क्वेश्चन होता है जो जनरल नॉलेज के होते हैं। एक जनरल नॉलेज होता है जिसमें इतिहास पूछा जाता है। एक जनरल नॉलेज होता है जनरली, जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीजें ऐसी मिक्स रहता है। इसकी बुक आप मार्केट से ले सकते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है जिसमें ना के बराबर 10th लेवल का मैथ आता है, और साथ में थोड़ा सा जनरल नॉलेज यानी कि GK, ठीक है। स्टेट की GK आती है, जैसे आप अगर यूपी से है तो यूपी की GK आपको पढ़नी पड़ेगी। तो GK, करंट अफेयर्स थोड़ा सा, थोड़ी सी मैथ और हिंदी इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे होती है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, इसमें मेरिट आपकी बन जाती है, तो उसके बाद आपका एक फिजिकल होगा, जिस फिजिकल के मैंने आपको बताया था। आपकी कम से कम गर्ल्स के लिए, मतलब अगर बॉयज के लिए मान लीजिए 20 किलोमीटर की दौड़ है तो गर्ल्स के लिए 10 किलोमीटर की होती है, जस्ट आधी हो जाती है बॉयज और गर्ल्स में। लेकिन इस वैकेंसी में बॉयज और गर्ल्स बहुत आर इन्वाइटेड। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 25 किलोमीटर की दौड़ होती है। जी हाँ, अब मेनली जी हाँ, और यूपी में भी लगभग इतनी ही दौड़ होती है। बाकी हर स्टेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। फिजिकल एलिजिबिलिटीज भी हैं कुछ, जैसे मेल की मैं बात करूँ तो उसकी हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
अगर आप अदर एससी से हैं तो आपकी 152 भी चल जाएगी, अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट, अगर आप एससी हैं एसटी हैं तो 145 आपकी हाइट चल जाएगी। उसके अलावा आईज आपकी देखी जाती है 6x6x9 होनी चाहिए, कोई ऐसा टैटू वगैरह आपकी बॉडी पर ना बना हुआ जैसे मेरा बना हुआ है, ठीक है, और कोई ऐसी डीप कोई डीप बीमारी आपको कोई डीपली डिजीज नहीं होनी चाहिए अगर आपको है तो। उसके अलावा सैलरी की बात करें तो जो उनका बेसिक पे रहता है 21,000 समथिंग से लेकर लगभग 69,000 रुपये तक जाता है, स्टेट वाइज ये अप डाउन होता रहता है, ये इसकी डिटेल है। अगर आप फॉर्म भरते हैं सेंट्रल का फॉर्म निकलता है तो उसकी फीस 100 रुपये होती है, गर्ल्स और अदर कास्ट के लिए कोई फीस नहीं होती, जनरल के लिए 100 रुपये, स्टेट की मैं बात करूं तो 300 रुपये जनरल वालों के लिए होती है और अदर के लिए 100 रुपये होती है, ये इसकी अलाइबिलिटी होती है। बाकी बच्चों अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो एक चीज अपनी समझ लें कि कम से कम आपको यहां पर अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान रखना पड़ेगा, यही मूल मंत्र है फॉरेस्ट गार्ड बनने का। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप इजीली पालेंगे, फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं कि आप जिम करते हैं, आपका स्टेमिना जितना अच्छा होगा, स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करना ताकि मैं कल को जो एक नई वीडियो आने वाली है नई जॉब के बारे में उसमें मैं आपको बता सकूं, ठीक है। जो कल हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड की वैकेंसी की, आप जानते हैं जो तट रक्षक होते हैं समुद्र में जो हमारी रक्षा करते हैं, समुद्र में जो चलते रहते हैं वो हमारे सैनिक जो डिफेंस में आते हैं कोस्ट गार्ड, उनकी बात करेंगे, उसकी डिटेल बताएंगे, 10th pass out 12th pass out वालों के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं क्या है। अगर मैं इस वैकेंसी की अप्लाई कर की बात करूं तो स्टेट की जो कर्मचारी आयोग विभाग होती है उसकी वैकेंसी उसकी वेबसाइट पर मिल जाती है, हर साल ये वैकेंसी लगभग मिड ऑफ द ईयर जून जुलाई के आसपास की वैकेंसी निकलती है, किसी स्टेट में एक साल छोड़कर एक साल निकलती है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।